कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर है तो 2 सेंटीमीटर हो गया। डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ टॉय, टॉय की वॉल्यूम निकालनी है। अब आपने क्या बोला, इफ द राइट सरफेस इज सर्कमस्क्राइब द टॉय, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड टॉय, पाई का वैल्यू लेना 3.1। तो सबसे पहले मुझे वॉल्यूम ऑफ टॉय निकालना है बेटा। तो वॉल्यूम ऑफ टॉय होगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ टॉय दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम है आपका 2/3 पाई आर क्यूब और इसका वॉल्यूम है 1/3 पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत, बोलिए ऑनलाइन बोलो बेटा, कोई दिक्कत नहीं सर? नहीं सर। अब दोनों का कॉमन आ रहा है 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो ये बचा 2R प्लस H, तो आ गया 2R प्लस H। अब पाई की वैल्यू आप इसको सॉल्व कर लीजिए, पाई की वैल्यू 3.14 आर है 2, 2 × 2 प्लस 2, 1/3 इंटू 3.14 इंटू 4 और ये हो गया 4 × 2 + 6, तो 3.14 इंटू 8 करो भाई, 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 95.12, 25.12 बिल्कुल सही है। तो ये तो वॉल्यूम ऑफ टॉय आ गया, किसी को दिक्कत इसमें? अब ये बोल रहा है कि इफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर सर्कमसाइज तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड टॉय, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लो भाई, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, आर कितना है और एच कितना है, तो 3.14 इंटू 8 बताना बेटा कितना आ रहा, सेम आएगा है, सेम के साथ सकता है एच, हाँ गलत हो गया ना यार, एच 4 होगा, ये एच वन लिख दो यार, हाइट ऑफ द सिलेंडर तो बेटा 4 हो गया ना, वही तो मैं सोचू क्या हो रहा, तो 4 × 4 16 करना भाई, 3.14 × 16, अरे 50.24 आएगा यार, सिंपल सी बात है, डबल हो गया ना 50.24 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो देयरफॉर डिफरेंस 50.24 माइनस 25.12 इज इक्वल टू 25.12 सेंटीमीटर, 25.12 सेंटीमीटर, दिस इज द डिफरेंस इन वॉल्यूम ऑफ टॉय एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये डिफरेंस है, क्लियर? बेटा तुम जो कर रहे हो ना, मैं बोल रहा हूँ कि कुछ भी नहीं, मतलब आ जाओ घर पे, नहीं तो कोई मतलब नहीं, बचोगे तुम,
इसके तरह मार्क्स दिया कहाँ से? इससे पहले वाला तो अब कर रहा हूँ ना धीरे धीरे चेक, अभी जो लास्ट वाला कल वाला चेक हुआ है। ये तो चलता रहेगा बेटा पक्का, तो अभी तो पहले कसम खा के भैया अब तुम दोनों आप से पढ़ लेंगे पक्का। बेटा तू मुझे बता दे मेरी क्या गलती है, फिर ये बता कि पूरी मेरी गलती है, फिर बता पढ़ना पड़ेगा ना। सबसे बढ़िया तरीका मैं तुमको बता रहा हूँ, जब भी नहीं हो कुछ भी नहीं हो यहाँ बैठे और यहाँ बैठे क्वेश्चन करते रहो, रिवाइज करो तभी होगा वरना नहीं। कोई भी एक टॉपिक लेके बैठ जाओ, एक एक सिस्टमेटिक करते जाओ और करते जाओ। अभी क्या करोगे ये कॉग्निटिव आज जो पढ़ाया पहले तो आज उसको जल्दी, पहले नहीं पढ़ा था जल्दी, और जो नहीं आया उसको पूछो। हाँ अभी बोल उनसे करना चालू, अच्छा लगा तुम आ गए, लेकिन ये इसको कंटिन्यू रखना बस। चलिए भाई हो गया, और कोई डाउट किसी का? एक्सरसाइज 13.2 में और करा दो नीचे नहीं, नहीं सर किए डाउट नहीं है, नहीं डाउट नहीं है, डाउट नहीं है, ठीक है। चलो मैं कुछ क्वेश्चन और करवाना, अब आज मैं वो करवाऊंगा आपको वेल वाले और दूसरे वाले, ठीक है, पाइप वाले, पाइप और वेल वाले तुम करना चालू कर दो एक एक करके, फिर मेरे से पूछो दीजिए। पहले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कर लो फर्स्ट सेक्शन, लिखो भाई। A well with 10 meter inside diameter, मैं लिख रहा हूँ बेटा लिखना। बस मैं कल अवेलेबल नहीं हो पाऊंगा, मैंने पहले ही बोल दिया था कल, कल एक से दो ही लगेगी, इवनिंग में मैं रहूंगा नहीं, ठीक है, बस कल कल की बात है। मैं 6 बजे तक यहाँ रहता हूँ, 6 से 7 में क्लास लेता हूँ, कल क्लास होगी वहाँ 6 बजे तक क्लास होगी ना, 6 से 7 तो हम तो वहाँ आके रिवाइज कर लूँ मैं, और वहाँ पर कर लूँ बैठ के, मैं पूछते जाऊँ वहाँ पर आना, वो चलेगा ये इंजीनियरिंग डिग्री भी। लिखो भाई अवेल, नहीं कल तो लगेगी नहीं, मैं कल की तो मैं मना कर रहा हूँ, कल तो होगी नहीं, परसों से। अवेल विद 10 मीटर इनसाइड डायमीटर, 10 मीटर इनसाइड डायमीटर। तुम्हारा कल टेस्ट का टाइमिंग 3:30 से 4:30, ठीक है, इनसाइड डायमीटर जब 14 मीटर डीप इज द 14 मीटर डीप और टेकन आउट is stretched all around to a width of 5 meters to form an embankment. Find the height of the embankment. Height of embankment. A well with 10 meter inside diameter is dug 14 meter deep. Earth taken out is spread randomly to a width of 5 meter to form an embankment. Find the height of the embankment. अब इसको समझेंगे भाई कैसे करेंगे, मेरी ध्यान से देखना, तू पहली बार पढ़ रहा है इसलिए बोल रहा हूँ। ये वेल है, इसको मैंने यहाँ से, इसको पहले तो हमने इसको खोदा,
तो जितनी मिट्टी निकली है तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ कितना रेडियस है? 5 मीटर. प्राइड कितनी है? विड्थ डेप्थ 14 मीटर डीप. वॉल्यूम ऑफ अर्थ हो गया पाई आर स्क्वायर है. पाई मत लिखना, आर है आपका 5 का स्क्वायर और एच मीटर स्क्वायर. इतना लिखो, दिस इज द, इतना मिट्टी बाहर निकली गई जब आपने इसको खोदा तो इतनी मिट्टी बाहर निकली. इतना मिट्टी बाहर निकली. इस वीक में मैं आपको 3 टेस्ट के रिजल्ट दे दूंगा, जो आपके 4 टेस्ट बचे हैं ना, उनके लिए 3 टेस्ट के रिजल्ट दे दूंगा. लेकिन ये है कि अब आगे से रिजल्ट अच्छा आने की. तो पाई इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 14 मत निकाल बेटा, जरूरत नहीं है. क्यों निकाल रहे? ये तो डायरेक्ट कटेंगे ही. तो नाउ अब आपने क्या करा, जो मिट्टी निकाली वो आपने यहाँ पर लगाई, यहाँ मिट्टी आपने यहाँ पर फैलाई और इसकी इन्वेस्टमेंट, ये इस तरह का इन्वेस्टमेंट बना. देखा हुआ ना आपका कभी वेल पर, इस तरह की आपका चबूतरा बना होता है बाहर गोल. तो बेटा ये दिखने में ऐसा दिखेगा ऊपर से, देखो ये ऊपर से यहाँ वेल है ये, तो ये तो ये एरिया निकालना पड़ेगा मुझे जिसमें मैंने मार्क किया है सर्कुलर पार्ट का एरिया. ये एरिया निकालना पड़ेगा मुझे, ये एरिया हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो ये एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो इधर ये 5 और ये भी 5 है, तो टोटल हो गया टोटल एरिया ऑफ रिंग. एरिया ऑफ रिंग पाई प्लस 5 10 माइनस 5 का 10, ये एरिया ऑफ रिंग आ गई. टोटल यहां से यहां तक 10 हो गया और यहां से यहां तक 5 हो गया. तो बड़े वाले सर्कल में से छोटा वाला सर्कल का एरिया हटा दूंगा तो क्या आ जाएगा? ये वाले रिंग का एरिया आ जाएगा. तो ये आ जा 100 माइनस 75 पाई मीटर स्क्वायर. लेट हाइट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू एच मीटर. लेट हाइट ऑफ इन्वेस्टमेंट इक्वल टू एच मीटर. तो देयरफॉर 70 वॉल्यूम ऑफ इन्वेस्टमेंट. वॉल्यूम ऑफ इन्वेस्टमेंट 75 पाई एच मीटर क्यूब. इतना लिखिए वॉल्यूम ऑफ इन्वेस्टमेंट 75 पाई एच मीटर क्यूब. एक सेकेंड में तो कर लेंगे सही. ये आपका वॉल्यूम ऑफ इन्वेस्टमेंट आ गया. अब बेटा ये इन्वेस्टमेंट बना किससे? मिट्टी से बना हुआ है. तो जो ये वॉल्यूम ऑफ अर्थ है और ये दोनों आपस में इक्वल होंगे. तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम 75 पाई एच इक्वल टू पाई 5 का स्क्वायर 25 इंटू 14. देखो 75 ये 3 टाइम कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो एच इक्वल टू कितना आ गया? 14/3 मीटर. एच आ गया आपका हाइट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना आ गया? 14/3 मीटर. तो हाइट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन 14/3 कितना हो गया? 4.66 मीटर. तो हाइट ऑफ इन्वेस्टमेंट इक्वल टू 4.66 मीटर. दिस इज द हाइट ऑफ इन्वेस्टमेंट. ये हमारा हाइट ऑफ इन्वेस्टमेंट आ गया 4.66 मीटर. इस तरह से हम हाइट ऑफ द इन्वेस्टमेंट निकाल दें. आया कुछ समझ में? नीत आप बताओ. हाँ सर, ये लास्ट का पार्ट नहीं आया थोड़ा. पहले इधर मैं पूरा एक बार दोबारा समझा रहा हूँ, समझ लो. जी सर. देख इधर, ये हमने एक वेल खोदा, यहाँ से मिट्टी निकली, ये 5 और ये 14. तो मिट्टी कितनी निकली बेटा? ये वाली मिट्टी है सब निकल गई. तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच, इतनी मिट्टी बाहर निकली. कोई दिक्कत?
नो सर, नो सर। अब ये पूरी मिट्टी आपने यहाँ पर डाली इसके चारों तरफ यहाँ पर, और इतना हाइट ऑफ द इन्वेस्टमेंट बन गया, ये इन्वेस्टमेंट है इसके चारों तरफ। चबूतरा होता है ना, याद है तुमने देखा होगा कभी कुआ, तो इसके चारों तरफ ये कुआ है कभी, तो इसके चारों तरफ इस तरह का ऐसा होता है, यहाँ पर खड़े होकर पानी खींचते हैं, देखा कभी गोल गोल भाई ये कुआ। आप यहाँ पर खड़े होंगे ना यहाँ पर इस जगह पर, तो यहाँ से कुएं को देखोगे तो ये ना पानी, तो ये इसके चारों तरफ ये गोल गोल आपका इन्वेस्टमेंट होता है, होता है कि नहीं होता बोलो। अरे मीत यस सर, यस सर, यस सर। मुझे क्या करता, हाँ तो देख इधर, ये तो कुआ है, ये तो कुआ है, तो बेटा यहाँ पर मिट्टी डाली आपने इस जगह, इस जगह मिट्टी डाली। अब ये फाइव है और ये भी फाइव है, गिवन है आपको विड्थ, तो ये टोटल हो गई यहाँ से यहाँ तक तो टेन हो गई और ये फाइव हो गई, तो इसका एरिया निकाल लूंगा ये वाला जो पार्ट है सर्कुलर रिंग का, तो ये एरिया कैसा आया, पाई बड़े सर्कल का एरिया माइनस छोटे सर्कल का एरिया, पाई बड़े सर्कल का एरिया माइनस छोटे सर्कल का एरिया, तो 75 पाई मीटर स्क्वायर, ये बोलो एरिया आ गया, और इसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, ये जो भी हाइट है। तो ये वाला जो इन्वेस्टमेंट बना है ये किसकी वजह से बना है, ये इस मिट्टी की वजह से बना है, तो इसको मैंने दोनों को स्टेट कर दिया और यहाँ से अच्छी वाली आ गई आया। ओके सर, जी सर, करवा करवा रहा हूँ लिया, और क्या नेक्स्ट, देखो लिखो बिल्कुल सेम टाइप की प्रॉब्लम करवाऊंगा। अ वेल हुज डायमीटर इज 7 मीटर, मुझे आना हो तो बुला लेना, आना हो तो बुला लेना। अ वेल हुज डायमीटर इज 7 मीटर हैज बीन डग, has been dug 22.5 meters deep, 22.5 meters deep, and earth dug out, and earth dug out is used to form an embankment. Earth dug out is used to form an embankment around it. Used to form an embankment around it. Used to form an embankment around it. If the height of embankment is 1.5 meters. If the height of embankment is 1.5 meter, find the width of the embankment. Find the width of the embankment. If the height of embankment is 1.5 meter, 1.5 meter, clear है? आवाज आ गई 1.5 मीटर, फाइंड द विड्थ ऑफ द इन्वेस्टमेंट। हां सर, आ गई सर। ठीक है, अब देखो इसको। अब बेटा यहां पर आपको क्या जीवन है इधर समझना, वही अगेन पहले इस कुएं को खोदा, विड्थ और इसकी रेडियस की डायमीटर कितना है, 3.5 मीटर और हाइट 22 पॉइंट, तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट, सबसे पहले तो ये निकालना कितना वॉल्यूम ऑफ अर्थ निकाला, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, छोड़ दो कुछ मत करना मीटर से, कितना मिट्टी आपने बाहर निकाली, वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट,
एक सेकेंड, ठीक है। ये आपका वॉल्यूम ऑफ अर्थ है, नहीं ना बेटा कोई दिक्कत, ये गिवन है, ये गिवन है, इसको 50 कर ले भाई, दो डेसिमल डेसिमल के दो बाद है, यहाँ पे भी दो कर ले, हटा दिया, उसे कैंसिल कर दे, 16/24 आगे उधर भी इससे बोलते सेम ही, चलिए अब ये पूरी मिट्टी आपने यहाँ पर लगाई गई, इस जगह पर, इस जगह पे मिट्टी लगाई आपने, और हाइट ऑफ द इन्वेस्टमेंट कितनी गिवन है भाई, 1.5 मीटर, ये नहीं गिवन है भाई, मैं मान लेता हूँ इसको एक्स, तो देखो पहले वॉल्यूम ऑफ रिंग और एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ रिंग हो गया भाई आपका पाई 3.5 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 3.5 का स्क्वायर, समझना आया क्या, ये समझना आया क्या, बोलो भाई, थ्री भाई बड़े वाले सर्कल का रेडियस, बड़े वाले सर्कल का रेडियस हो गया 3.5 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 3.5 का स्क्वायर, चाहो तो आप इसको एक काम कर सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है ए प्लस बी, ए प्लस बी मतलब ये सबसे बढ़िया तरीका है, और ए माइनस बी उसमें क्या कैलकुलेशन भी नहीं होती, तो ये आ गया आपका पाई 7 प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाय, नहीं तो कैलकुलेशन में बहुत टाइम लग गया था, इसमें नहीं लगेगा कैलकुलेशन, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, ये हमारा एरिया ऑफ रिंग आ गया। अब वॉल्यूम ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ इन्वेस्टमेंट तो वॉल्यूम ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या हुआ, पाई 7 प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स इंटू हाइट कितनी 1.5 मीटर, अब दोनों को इक्वेट कर दो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, पाई 7 प्लस एक्स इंटू एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1.5 इक्वल टू पाई 3.5 का स्क्वायर इंटू 22.5, पाई से पाई कैंसिल हो गया, बेटा देखो 22.5 को 1.5 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 बचेगा, 1.5 नहीं 15 बचेगा, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 7x इक्वल टू 3.5 का, अब देखो इसको मैं क्या करता हूँ, 3.5 मतलब 7/2, इससे क्या इजी हो जाएगा, सबको 4 से मल्टीप्लाई कर क्वाड्रेटिक बना लेंगे भाई, बेटा 49 इंटू 15 करना 735 कितना आ रहा, देखो 49 इंटू 15 735 इक्वल टू 0, यहाँ तक लिखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब इसके फैक्टर करने हैं मुझे, देखो कौन बताता है फैक्टर बताओ, फैक्टर बताओ भाई, 735 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 2940, अब देखो इसके फैक्टर डिफरेंस चाहिए मुझे 28 को, एक तो हो गया 10 294, नहीं इधर से 2 निकाल लो 20 और 147, नहीं 3 निकाल लो,
तो एक काम करो, फिर इधर से 7 निकालो और इधर 3 पहुंचा दो, 140 और इधर 3 पहुंचा दो, नहीं 15, 5 पहुंचाओ, देखो इधर, इधर 7 लाओ और इधर 5 पहुंचाओ, 12 5 7 और 5 12 7 84 और इधर 5 35। अब देखना भाई, अभी नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आएगा तो सही। हाँ तो गया 70 और 42, 70 और 42, ये तो क्वाड्रेटिक से निकाल देना, ये लो 72 70 और 42, इसके फैक्टर आ गए, 2x कॉमन आ गया, 2x + 35 माइनस यहाँ से 7 कितना आ गया, 21 कॉमन आ गया, 2x - 35, तो 2x - 21 और 2x + 35, तो x की वैल्यू 21/2, वो तो नेगेटिव आ रहा, तो व्हाट इज द विड्थ ऑफ द एम्बेसमेंट, विड्थ ऑफ द एम्बेसमेंट कितनी आ गई आपकी, 10.5 मीटर, लिख लीजिए बेटा, विड्थ ऑफ द एम्बेसमेंट इज 10.5 मीटर। अच्छी प्रॉब्लम है ये, अब इसमें कहीं भी समझना, क्वाड्रेटिक आपको निकालनी पड़ेगी, तो द विड्थ ऑफ एम्बेसमेंट इज 10.5 मीटर, ये आपका विड्थ ऑफ एम्बेसमेंट आ गया, थोड़ा कोई डाउट तो नहीं तेरा, अभी तो तू ऐसे सीधे सीधे वाले कर रहा है, वो टू पीए वाला कहाँ है, अभी नहीं आया क्या, कहाँ टू पीए, कहाँ है, अच्छा तेरा टू इधर ले गया ना, तो दिस इज द लिखो लास्ट में, तो द विड्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 10.5 मीटर, विड्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 10.5 मीटर, ये हमारी विड्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट आ गई, चलिए एक और करेंगे ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। A 20 meter deep well with diameter 7 meter. Is dug and the earth from digging, is evenly spread to form an embankment, or to form a platform. Evenly spread to form a platform. To form a platform, 22 meter by 14 meter. To form a platform, 22 meter by 14 meter. Find the height of the platform. So, हमें height of the platform निकालना है. Find the height of the platform. So
वॉल्यूम ऑफ अर्थ डगा हो क्या है रेडियस वाइज 7/2 का स्क्वायर इंटू हाइट कितनी है 20 मीटर की छोड़ दो अभी नहीं पाई की वैल्यू रखनी पड़ेगी क्योंकि आगे क्या है प्लेटफॉर्म कौन सा है रेक्टेंगुलर है तो 22/7 × 49/4 ये सोल्व करना पड़ेगा बताइए 770 meter cube आ गया कितना मिट्टी बाहर निकली 770 meter cube अब ये पूरी मिट्टी आपने क्या बनाने के लिए काम में ले ली प्लेटफॉर्म तो वॉल्यूम ऑफ लेट द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म इज एच मीटर देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ इन्वेस्टमेंट या वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म लेंथ ऑफ ब्रेड क्या है 22/5 अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम दोनों को स्प्रेड कर दू तो एच आ गया 10/4 2.5 meter तो द हाइट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2.5 meter दिस इज द हाइट ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया चलिए ये तो इन्वेस्टमेंट वाले हो गए भाई अब दूसरे टाइप पाइप वाले प्रॉब्लम करवा रहा हूं गोविंद के फेवरेट प्रॉब्लम तो गोविंद सर मैंने कभी नहीं कहा कि वो मेरी फेवरेट प्रॉब्लम है अरे मतलब फेवरेट मतलब तेरे को हर बार यही वाला टॉपिक समझ में नहीं आता ना इसलिए फेवरेट सर वो एक बार गलत करा है इसलिए तुमने सर आगे वो तो जब तक सही नहीं करेगा जब तक तो यही रहेगा चलो नेक्स्ट वाटर इज पंप्ड आउट Water is pumped out through a circular pipe. Through a circular pipe whose internal diameter is 7 centimeters.
सर एक बार वापस बोल दो क्वेश्चन. वाटर इज बीइंग पंप्ड आउट. वाटर इज बीइंग पंप्ड आउट थ्रू ए सर्कुलर पाइप हूज इंटरनल डायमीटर इज 7 सेंटीमीटर. Whose internal diameter is 7 centimeters. If the flow of water is, if the flow of water is 72 centimeters per second, if the flow of water is 72 centimeters per second, how many liters of water? How many liters of water are being pumped out in 1 hour? How many liters of water being pumped out in 1 hour? अब समझते बेटा वो क्या कह रहा है. ये बोल रहा है कि सिलेंड्रिकल पाइप है जिसका डायमीटर कितना है. देखो ये सिलेंड्रिकल पाइप, ये डायमीटर 7 सेंटीमीटर. तो बेटा ये वाला जो एरिया है ना आपको पहले ये निकालना पड़ेगा जहां से पानी बाहर निकलता है. पानी यहां से बाहर निकलेगा ना तो इसे बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइप या क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ओपनिंग. क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ या एरिया ऑफ ओपनिंग एरिया ऑफ ओपनिंग बेटा जहां से पानी बाहर निकल रहा है ये क्या है सर्कल. पाई आर कितना है 7/2 क्या है सेंटीमीटर. सेंटीमीटर इसको ये इसका एरिया ऑफ ओपनिंग होगा. अच्छा रेट ऑफ फ्लो क्या है. रेट ऑफ फ्लो 72 सेंटीमीटर पर सेकंड का मतलब समझ लो 1 सेकंड में कितनी लेंथ कवर कर रहा है. तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन वन सेकंड इज इक्वल टू पाई 49/4 मल्टीप्लाइड बाय 72 सेंटीमीटर क्यूब. इतना वॉल्यूम बाहर निकल रहा है अभी एक सेकंड में. एक सेकंड में जो पानी बाहर निकल रहा है वो कितना है पाई 49/4 मल्टीप्लाइड बाय 72. ये 1 सेकंड में पानी बाहर निकल रहा है. अब आगे क्या बोल रहा है. हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर बीइंग पंप्ड आउट इन 1 आवर. ये तो 1 सेकंड में. तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 1 आवर मतलब कितने सेकंड. 3600 सेकंड पाई 22/7 49/4 × 72 × 3600 7900 154 × 72 × 900 सेंटीमीटर क्यूब. ये वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 1 आवर हो गया. करना मल्टीप्लाई कितना आ रहा है. टोटल निकालो कितना आ रहा है. बिल्कुल सही है. 99 सेंटीमीटर से. लेकिन हमें वॉल्यूम कितने निकालना है. हाउ मेनी तो लीटर में निकालना है ना बेटा. 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है 1000 लीटर.
वन सेंटीमीटर क्यूब कितना होता है? 1000 लीटर। यदि मुझे इसको लीटर में कन्वर्ट करना है तो आप 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो इक्वल टू 997920/1000 लीटर। तो 9979.2 लीटर इतना पानी बाहर आएगा, 9979.2 लीटर। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो थ्रू पाइप इन वन आवर। समझ में आया क्या तुम दोनों का? दिक्कत तो नहीं है कि एक में आ रही है? एर्थ के एर्थ क्या बोल रहे हैं? ठीक है, ई समझ में आ गया, ये हो गया ना ई बाई एफ की करना ना, ठीक है। तो मुझे इससे क्या मतलब है? अरे तो पी इंटरसेक्शन ऑफ अपॉन पी एफ, मुझे दे पी एफ कितना आ रहा है? तो 6/5 आ रहा है ना, 6। अब ये बोला 6/5 भी आना चाहिए और फर्स्ट में 4 भी आना चाहिए, तो 8 ही तो आएगा। 1/216 भाई, पहले में 4 आने चाहिए, दूसरे बच्चे आने चाहिए। हाँ एक मिनट रुक जाओ, बताओ पहले बस 6 आना चाहिए, दूसरे 5 आना चाहिए, तीसरे 4 आना चाहिए, तो एक ही केस होगा, ठीक है। यदि उसको नहीं आए तो समझ जाओ। हाँ बड़ा बोल आपको सर, ये मेरे को सही नहीं लग रहा था तो मैंने गूगल कर लिया सर। इसमें तो लिख रहा है 1 cm³ = 1 ml। अरे यार उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी। उल्टा लिख दिया सर, लेकिन आगे सॉल्यूशन सही किया। अरे सॉल्यूशन सही किया है, वो उल्टा लिख दिया। 1 liter = 1000 cm³। मैं एक्चुअली रुको, देखो मैं यहाँ बता देता हूँ तुम्हें, तो क्या जल्दबाजी में गलत लिख दिया। 1 liter होता है 1000 cm³, और 1 m³ होता है 1000 liter। ये ओके, अब आया तुम्हें, क्लियर है? अरे बोल तो सही अब। हाँ हाँ सर लिख ही रहा हूँ। हाँ 1 liter = 1000 cm³, वो उल्टा लिख दिया था मैं, बाकी नीचे सही किया था। कभी कभी हो जाता, तेरे साथी तो रह रहा हूँ आजकल। इसके नेक्स्ट लिखो, उसको चेंज कर लेना बेटा, वो गलत लिख दिया था। 1 liter = 1000 cm। नेक्स्ट लिखिए, वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ, वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 5 km/h। वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 5 km/h थ्रू ए पाइप ऑफ डायमीटर 14 cm, थ्रू ए पाइप ऑफ डायमीटर 14 cm इंटू ए रेक्टेंगुलर टैंक, which is 50 meter long and 44 meter wide, which is 50 meter long and 44 meter wide, 44 एक बार रिपीट कर दो पूरा। हाँ सर, देखो दोबारा, water is flowing
at the rate of water is flowing at the rate of 5 km/h. 5 km/h through a pipe. Through a pipe of diameter. Through a pipe of diameter 14 cm. Diameter 14 cm into a rectangular tank. Into a rectangular tank which is 50 meter long and 44 meter wide. यहाँ तक लिख लिया सबने? जी सर. बोले बोलेंगे भाई आगे? हाँ सर. Determine the time in which level of water in the tank. Determine the time in which level of water in the tank rises by 7 cm. Rises by 7 cm. अब देखो भाई बिल्कुल सेम प्रॉब्लम है, बस पानी जा रहा है रेक्टेंगुलर टैंक में. इधर देखना डायमीटर कितना भाई? 14 सेंटीमीटर. मतलब रेडियस कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर. रेडियस तो 5 मीटर में कर लो भाई, लेकिन क्योंकि आगे सब मीटर में गिवन है, तो 7/100 मीटर. Area of circular opening. Pi r square. Pi 7/100 का होल स्क्वायर मीटर स्क्वायर. तो 49 pi/10,000. वैसे पाई की वैल्यू रखनी पड़ेगी क्योंकि आगे जाके किसमें कन्वर्ट हो रहा है, वो रेक्टेंगुलर टैंक में जा रहा है, तो इससे पाई की वैल्यू रखनी तो पड़ेगी. 7 7 154 / 10,000 meters. ये तो यहाँ तक हो गया. कोई डाउट किसी को? अब एरिया, अब रेट ऑफ फ्लो कितना भाई? रेट ऑफ फ्लो 5 किलोमीटर, मतलब 5,000 meters/h. So therefore volume of water in 1 hour, volume of water flows through pipe in 1 hour. Volume of water flows through pipe in 1 hour. This is equal to 5,000 × 154/10,000. 77 meters. इतना वॉल्यूम आपका 1 घंटे में फ्लो हो रहा है. मुझे टाइम निकालना है तो मुझे पता नहीं कितने आवर तक चला, तो मैं मालूम चले तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वाटर, अरे रुक जाओ पहले, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टी आवर, मैं मान लेता हूँ टी आवर में कितना वॉल्यूम निकले, तो 77 t meter. से मैंने मान लिया कि पाइप से वाटर टी आवर तक निकला, तो कितना आ गया? 77 t meter. से ये आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टी आवर है, क्योंकि टाइम ही निकालना है. अब ये पूरा पानी कहाँ जा रहा है? रेक्टेंगुलर टैंक में. तो आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द रेक्टेंगुलर टैंक. रेक्टेंगुलर टैंक कितना, क्या क्या है? 50 by और हाइट भी तो राइट कितना, तो 7/100 meter. तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम दोनों को इक्वेट कर दो.
बेटा 2 आवर आ गया, कितना टाइम तक वाटर फ्लो हुआ है? 2 घंटे. तो दिस इज द वाटर फ्लो थ्रू पाइप, तो टाइम इज 2 आवर. 2 आवर तक वाटर फ्लो हुआ. एटमोस्ट 2 टेल, एटलीस्ट 2 टेल, मतलब 1 टेल. अब देखने मतलब एटमोस्ट 2 टेल, मतलब अब लिख के देख लेंगे ज्यादा अच्छे. 3 बार देख रहे होंगे तो 2 टेल मतलब पीपी, 2 टेल और उससे कम वाले सारे आएंगे, और 1 टेल और उससे ज्यादा वाले सारे आएंगे. तो कौन कौन सा आएगा? तो नो 2 टेल आ गई कि नहीं? देखो एटमोस्ट 2 टेल हो गया तेरा. टेल टेल हेड ये बना रखे ना. अब पहले वाले में आ गया एटमोस्ट 2 टेल, मतलब ज्यादा ज्यादा 2 टेल, ज्यादा ज्यादा कम से कम 1 दिन. तो 2 टेल ये 7 हैं. फिर 1 टेल कम से कम 1 टेल, कम से कम एक या एक से ज्यादा टेल. तो कम से कम एक या एक से ज्यादा टेल में कौन कौन आएगा? ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा. तो 6 आपके कॉमन आ गए. ये कितने कॉमन आ गए? 6 कॉमन. एक कंपोनेंट और ये आपका एफ कितना था? एटलीस्ट 1 टेल, 7 बाई 8. तो हमसे कितना हो गया? 6 बाई 7 आ रहा है कि नहीं? चलिए भाई, अब कल का टेस्ट भाई 3:30 बजे तुम्हारा